friends, how are you all? I hope you all are fit and fine. So, I am Sabeela. Today, we will study about Hindi language, chapter number 4, Sangya. Bachcho, aaj hum Hindi language ka chapter number 4 padhne ja rahe hain. Aur iska naam kya hai? Sangya. Sangya ko English mein noun bolte hain aur Hindi mein Sangya bolte hain. वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो आइए आज हम संज्ञा की पहले परिभाषा पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम जूही, राम किसी व्यक्ति का नाम है, जूही भी किसी व्यक्ति का नाम है, मतलब जो राम है वो किसी लड़के का नाम और जूही किसी लड़की का नाम है। तो ये राम और जूही व्यक्ति में आएंगे, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो। पेंसिल पंखा, ये क्या होगा? किसी वस्तु का नाम है, जैसे कि पेंसिल और पंखा ये दोनों एक वस्तु के नाम है। और दिल्ली आगरा आदि, जैसे कि किसी स्थान का नाम होता है तो उसमें आप कोई भी शहर का नाम ले सकते, आगरा, इलाहाबाद। तो संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को बोलते हैं, जिससे क्या कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर लिखा है व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम और स्थान के नाम। एक बात का ध्यान सभी बच्चे रखें कि वस्तुओं में हम पशु पक्षी भी लेते हैं। संज्ञा में अगर हम वस्तु के नाम एग्जाम्पल देंगे तो उसमें हम पशु पक्षी के नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो आते हैं इसमें। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि मैंने व्यक्तियों के नाम के लिए एग्जाम्पल लिखा है सीता, ये बच्ची की फोटो बनी है और एग्जाम्पल सीता। सेकंड नंबर इज राजू, ये बॉय की फोटो है, लड़के की फोटो है जो व्यक्तियों के नाम में आती है, ये भी एक संज्ञा है। और तीसरा क्या है? रेखा। सेकेंड एग्जाम्पल वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम में मैंने तीन चार एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि किताब, आप स्कूल आते हैं किताब पढ़ते हैं तो वो भी कोई वस्तु है। पेंसिल यानी आप स्टेंसिल लिखते हैं, गुब्बारा यानी कि जो आप बलून लेते हैं वो भी एक वस्तु है, तो वो इसमें आएगी, वस्तुओं के नाम में आएगी और ये क्या कहलाएगी? संज्ञा आएगी। और लास्ट में मैंने लिखा है हाथी। हाथी जो कि एक जानवर है, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पशु पक्षी भी वस्तुओं के नाम पर आएंगे, तो इसलिए मैंने फोर्थ एग्जाम्पल हाथी लिखा है। तीसरा उदाहरण है स्थान का नाम। जैसा कि आप जानते हैं कि स्थान के नाम पर कोई भी जगह आ सकती है, जैसे कि मैंने एक जगह का नाम लिखा आगरा विद्यालय, ये एक एग्जाम्पल है विद्यालय की, मैंने पिक्चर बनाई है यानी विद्यालय यानी स्कूल। और तीसरा एग्जाम्पल है बाजार, बाजार यानी मार्केट, कोई जगह है ना, जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं या मार्केट जा रहे हैं सामान खरीदने, तो वो एक प्लेस हो गई यानी कोई स्थान हो गया। तो ये सब क्या चीजें हैं? एग्जाम्पल किसके हैं? संज्ञा के। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को बोलते हैं, जैसे कि किसी लड़की या लड़के का नाम, किसी स्थान का नाम या किसी वस्तु का नाम को संज्ञा बोलते हैं। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आप अच्छे से इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी